कीले कटीले तार बैरिकेडिंग और ऊंचे ऊंचे सीमेंट डिवाइडर। किसानों को रोकने के लिए पुलिस का पूरा चक्रव्यूह तैयार है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट अब जाम की झाम से लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च की वजह से दिल्ली एनसीआर में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। चिल्ला बॉर्डर पर भी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन करने को लेकर दिल्ली की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। इसके बाद भी दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम की परेशानी पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी की। बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने सीजीआई को पत्र लिखकर कहा था कि किसानों के इस आंदोलन के खिलाफ उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इससे आम लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वही लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि अगर वकील ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते कोर्ट में पेश नहीं होते तो किसी मामले में फैसला ना सुना दिया जाए। इस पर सीजीआई ने कहा, अगर जाने आने में वकीलों को परेशानी हो रही है तो मुझे बताएं, हम देख लेंगे। सीजीआई ने ये भी कहा कि अगर ट्रैफिक की समस्या के चलते वकील पेश नहीं हो पाते तो समय में परिवर्तन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसानों के मार्च के चलते हरियाणा सरकार ने धारा 144 लागू की है। इसके अलावा कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ हरियाणा सरकार और केंद्र के सभी फैसलों को रद्द किया जाए। कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर किसान और सरकार के बीच ठन गई है। फिलहाल किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठी और बॉडीगार्ड किट के साथ फोर्स की तैनाती की गई है। बॉर्डर पर फ्रंट लेयर में महिला सुरक्षा बलों की संख्या ज्यादा है। ड्रोन के जरिए आसपास के अन्य रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। पिछली बार से सबक लेते हुए जवानों को इस बार एंटी टीयर गैस मास्क दिए गए हैं। इसके लिए हमने पूरी तैयारी करी है। पिछले 2-4 दिन से हम इसकी ड्रिल करा रहे हैं और लगातार हमने जर्सी बैरियर्स, हमारे बैरिकेड्स और पर्याप्त संख्या में इक्विपमेंट रखे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी गैस गन पार्टी भी रेडी है। इसके अलावा हमारे टायर किलर्स और सब फैसिलिटी हमने यहाँ पे अवेल कर रखी है और उनकी लगातार ड्रिल करवाई है और स्टाफ को हमने रिजर्व में भी रखा है। स्टाफ हमारा मोटिवेटेड है, सबको गाइड किया गया है।